पाठ 16 पद परिचय। पद शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरण नियमों के अनुसार कार्य करता है तो उसे पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त सभी पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद के भेद। पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के भेद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी भेद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। नीचे ये स्पष्ट किया जा रहा है कि इन आठों भेदों का पद परिचय किस प्रकार दिया जाना चाहिए। संज्ञा का पद परिचय, इसमें संज्ञा का भेद लिंग, वचन, कारक एवं क्रिया के साथ उसका संबंध बताना चाहिए। संज्ञा के पद परिचय में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है, भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन एकवचन, बहुवचन, कारक कर्ता, कर्म करण, संप्रदान आपादान, संबंध अधिकरण, संबोधन संबंध, क्रिया अथवा अन्य दो पदों से संबंध, जैसे गीतू दूध पीती है। पद परिचय, संज्ञा पद गीतू, भेद व्यक्तिवाचक, लिंग स्त्रीलिंग, वचन एकवचन, कारक कर्ता कारक, संबंध पीती है क्रिया का कर्ता, दूध संज्ञा पद भेद द्रव्यवाचक संज्ञा, लिंग पुल्लिंग, वचन एकवचन, कारक कर्म कारक, संबंध पीती है क्रिया का कर्म, सर्वनाम का पद परिचय, भेद पुरुषवाचक प्रश्नवाचक निजवाचक निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक, वचन एकवचन बहुवचन, लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुरुष उत्तम पुरुष मध्य पुरुष अन्य पुरुष, कारक कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान, संबंध अधिकरण संबोधन संबंध क्रिया आदि से, जैसे वह दाल के साथ भात खा रही है। पद परिचय, वे भेद अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, लिंग स्त्रीलिंग, वचन एकवचन, पुरुष अन्य पुरुष, कारक कर्ता कारक, संबंध खा रही है क्रिया की कर्ता। विशेषण का पद परिचय, विशेषण के भेद गुणवाचक संख्यावाचक परिणामवाचक सर्वनामिक, लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वचन एकवचन बहुवचन, अवस्था मूलावस्था उत्तरावस्था उत्तमावस्था। विशेष किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषण, जैसे पेड़ पर लगे काले जामुन बहुत मीठे हैं। भेद गुणवाचक विशेषण, लिंग स्त्रीलिंग, वचन बहुवचन, विशेष जामुन विशेष्य का विशेषण। क्रिया का पद परिचय, भेद अक्रमक सक्रमक प्रेरणार्थक पूर्वकालिक आदि, काल वर्तमान काल भूतकाल भविष्यकाल, वाच्य कृतवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य, लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वचन एकवचन बहुवचन, पुरुष उत्तम मध्य अन्य पुरुष, संबंध अन्य शब्दों के साथ, जैसे सिद्धार्थ ने घायल हंस को उठाया। पद परिचय, उठाया भेद सक्रमक क्रिया, लिंग पुल्लिंग, वचन एकवचन, काल सामान्य भूतकाल, वाच्य कृतवाच्य। क्रिया विशेषण का पद परिचय, भेद कालवाचक स्थानवाचक परिणामवाचक रीतिवाचक, उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही थी। भेद रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बिक रही थी क्रिया की विशेषता बताई गई है। संबंध बोधक का पद परिचय, भेद कालवाचक स्थानवाचक दिशावाचक साधनवाचक समतावाचक हेतुवाचक तुलनावाचक सहेचरवाचक विरोधवाचक और संग्रहवाचक। संबंध संबंध बोधक, जैसे कक्षा के भीतर बच्चे पढ़ रहे हैं। भेद स्थानवाचक संबंध बोधक, संबंध कक्षा का संबंध वाक्य में आए दूसरे पदों से जोड़ा जाता है। समुच्चय बोधक का पद परिचय, भेद संयोजक विभाजक विकल्प सूचक संबंध शब्दों उपवाक्यों से संबंध, जैसे मुझे राखियां खरीदनी थी इसलिए मैं बाजार गई। भेद समानाधिकरण समुच्चय बोधक, मुझे राखियां खरीदनी थी इसलिए मैं बाजार गई, दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है। विस्मयादि बोधक का पद परिचय, विस्मयादि बोधक पद परिचय में मन के जिस भाव को अभिव्यक्त किया जाता है उसका निर्देश दिया जाता है, जैसे आहा
बादल घिर आए, आहा हर्ष सूचक विस्मय आदि बोधक शब्द। अन्य उदाहरण देखिए, मैं गत वर्ष आपको अजमेर में मिला था। मैं सर्वनाम पुरुषवाचक उत्तम पुरुष पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक मिला था क्रिया का कर्ता। गत विशेषण गुणवाचक पुल्लिंग एकवचन मूलावस्था विशेष वर्ष वर्ष संज्ञा जातिवाचक पुल्लिंग एकवचन अधिकरण कारक मिला था क्रिया का समय। आपको सर्वनाम पुरुषवाचक मध्यम पुरुष पुल्लिंग एकवचन कर्म कारक मिला था क्रिया का कर्म। अजमेर में संज्ञा व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एकवचन अधिकरण कारक मिला था क्रिया का स्थान। 9:15 हुए हैं। 9 विशेषण संख्यावाचक यहाँ जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग हुआ है। कर्ता कारक बजकर पूर्वकालिक क्रंदत का कर्ता है। 15 अक्रमक पूर्वकालिक क्रंदत अब इसका कर्ता 9 है। हाय उसने और उसकी पत्नी दोनों ने आत्महत्या कर ली। हाय विस्मय आदि बोधक अव्यय दुख का द्योतक है। और समुच्चय बोधक अव्यय उसने और उसकी पत्नी को मिलाता है। कुछ मिले जुले उदाहरण, सचिन ने परीक्षण किया और वह 7वीं कक्षा में प्रथम आया। सचिन व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक किया और आया क्रियाओं का कर्ता। परीक्षम संज्ञा भाववाचक पुल्लिंग एकवचन कर्म कारक क्रिया क्रिया का कर्म किया क्रिया सक्रमक अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन भूतकाल निश्चार्थक कृतवाच्य कृत्री प्रयोग कर्ता सचिन। और समुच्चय बोधक समानाधिकरण संयोजक वेह सर्वनाम पुरुषवाचक पुल्लिंग एकवचन अन्य पुरुष कर्ता कारक आया क्रिया का कर्ता। 7वीं विशेषण कर्मवाचक निश्चित संख्यावाचक स्त्रीलिंग एकवचन मूलावस्था कक्षा विशेष का विशेषण कक्षा में संज्ञा जातिवाचक स्त्रीलिंग एकवचन अधिकरण कारक प्रथम विशेषण कर्मवाचक निश्चित संख्यावाचक पुल्लिंग एकवचन मूलावस्था अनिर्दिष्ट स्थान विशेष का विशेषण आया क्रिया सक्रम अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन भूतकाल निश्चार्थक कृतवाचक कर्त्री प्रयोग कर्ता वह। श्याम की पुत्री निधि ने चाचा को पत्र लिखा। श्याम संज्ञा व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एकवचन की के साथ मिलकर संबंध कारक का रूप श्याम की पुत्री के संबंध। पुत्री संज्ञा जातिवाचक स्त्रीलिंग एकवचन ने के साथ कर्ता कारक का रूप निधि ने लिखा क्रिया का कर्ता। पद संज्ञा जातिवाचक पुल्लिंग एकवचन कर्म कारक द्विकर्मक क्रिया लिखा का